बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुब आमीन। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। आज जो किचन क्लोजअप में रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है वो है बहुत मज़ेदार किस्म की चटपटी सी चने की दाल फ्राई, वो भी ढाबा स्टाइल में। बहुत टेस्टी बनी है और देसी घी की इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हरी मिर्चें वगैरह माशाल्लाह इसका फ्लेवर और इन्हेंस कर रही हैं। ये जानने के लिए कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना ही नहीं है। चले हम किचन क्लोजअप में चलते हैं और आपके लिए रेसिपी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार किस्म की चना दाल फ्राई बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है। उसमें मैंने डाल दिया है 6 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। छोटी सी एक प्याज मैंने ली थी, अगर आपके प्याज का साइज बड़ा है तो आप हाफ ले लें। इसको मैंने फ्राई करना है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी साबुत खड़ा गरम मसाला 1 टीस्पून। रैंडमली आपने लेनी है 1-2 लौंगे और साबुत काली मिर्च, जीरा, बस ये आपने डाल देना है। ये देखिए ठीक है, हल्का सा कलर और चेंज हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूँ। हल्का सा चेंज हो गया और गरम मसाला भी हमारा अच्छे से कड़कड़ा गया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो जल्दी से मिक्स कर लेना है आपने हाथ से हाथ। बहुत मज़ेदार किस्म की ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी फ्राई की मैं आपसे शेयर करी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 अदद बड़े साइज का टमाटर, इस तरह बारीक सा चॉप किया हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने मिक्स करना है। ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में जो जो चीज़ें शामिल है उसमें पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, धनिया पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और हल्दी लिए 1/2 टीस्पून और ये मैंने लिए 1/2 कनौर क्यूब। ये मैं सब स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से मसाले को भूनूँगी। ये देखिए टमाटर ताकि हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा भुन जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉइल्ड की हुई ये देखिए चने की दाल मैंने ली हुई थी, ये देखिए ठीक है, मैंने ली थी 250 ग्राम चने की दाल थी, उसको अच्छे से धो के मैंने बॉइल कर लिया। अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चने की दाल मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको चने की दाल को आहिस्ता आहिस्ता यूं करके ऐसे प्रेस करूँगी। देखें थोड़ी थोड़ी उसमें दाल घुटी हुई होती है ढाबे स्टाइल में और थोड़ी थोड़ी खड़ी रहती है। इस तरह करके मैं यूं कर लेती हूँ इसको। ये देखिए इस तरह हमारी अच्छी सी दाल ये हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी, ठीक है। ये डाल देने के बाद मैं इसको लिड लगा कर रख दूंगी 10 से 15। हमारी दाल तैयार हो रही, हमने क्या करा है इसका फ्राई तैयार कर लें। मैंने लिया देसी घी 2 टेबल स्पून भर के देसी घी ले लेना है और इसके अंदर थोड़ी सी प्याज इस तरह बारीक कटी हुई ये डाल देनी है, ठीक है। इसको कलर चेंज होने तक मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 2 अदद मैंने इस तरह काट लिए हैं। अब ये हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। दाल हमारी अच्छे से बन गई है, बिल्कुल ही अच्छे से घुट भी गई है और हल्की हल्की सी ग्रेवी भी आ गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और डाल देंगे इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऐड करेंगे हम अपना पगार।
देखिए दाल फ्राई ढाबा स्टाइल बड़े मज़ेदार किस्म का हमारी तैयार है। इसको मैंने मोटी मोटी सी प्याज काट लिया और लीमू रखा है इसके साथ, और तंदूरी रोटी मंगाऊंगी इसके साथ खाएंगे। अगर आपको लगता है बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।